आया बिंदी बग्गा साहब के यहां एक आलीशान घर में काम करती है, उनके साथ हिलती मिलती रहती है, लेकिन उनकी सहानुभूति हमारे धोबी माली मेहतर जैसे हाशिए पर छोड़े गए लोगों पर है, उनकी सहानुभूति उनके प्रति है, क्योंकि आया बिंदी भी उस वर्ग के लोगों की प्रतिनिधि है। वे बड़े गरीब हैं, इसका एक उदाहरण है उनका बच्चा लल्लू 2 वर्ष पहले भूख के कारण मरा है। ये बताते वक्त उसको बड़ा दुख आया, हमने देखा पहले, तो उसकी सहानुभूति इस प्रकार के गरीब समझने वाले वर्गों के प्रति है। अगला एक प्रश्न है, आया के बच्चे की मृत्यु कैसे हुई होगी? वास्तव में पाठ भाग में उसके बारे में नहीं बताता है, फिर भी हम समझ सकते हैं आया के बच्चा लल्लू की मृत्यु भूख से ही हुई होगी, क्योंकि जब डौली माया आया से पूछती है, आया हम भी भूख से मरेंगे क्या, ऐसा पूछते वक्त वो बताती है कमीने वर्ग के लोग भी भूख से मरे हैं मरते हैं, ये कहकर उनको अपने लल्लू की याद आई, माने लल्लू भूख से मरा है, असुमी ऐसा ही होने की संभावना है, पाठ भाग से ऐसा हम समझ सकते हैं। देखिए पाठ भाग से अतिरिक्त जो पाठ भाग में विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए गए हैं उसे अतिरिक्त परीक्षा में पूछने योग्य कुछ प्रश्नों का परिचय हम करें। देखिए ऐसा एक प्रश्न है, आत्मिका बच्चा कहानी की घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखें। तो आत्मिका बच्चा नामक कविता की घटनाओं को क्रम रहित दे देंगे, उन घटनाओं को हमें क्रमबद्ध करके ऑर्डर के रूप में खड़ित घटना के रूप में क्रम अनुसार हमें लिखना है। तो उसमें लिखा है 6 घटनाएं दी गई हैं। देखिए डोली की अनुपस्थिति में बग्गा साहब ने मेहतर से काम करवा डाला, कुतिया ने पिल्ले दिए, डोली के कारण बग्गा साहब परेशान थे, डोली पितों पिल्लों को खोजती फिरी, मेहतर से कार्य समझकर डोली रो रो कर बेहाल हो गई, बग्गा साहब पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर मरवा देना चाहता था। तो क्रमानुसार लिखते वक्त ऐसे लिखे, कुदिया ने पिल्ले दिए, बग्गा साहब पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर मरवा देना चाहता था, डोली के कारण बग्गा साहब परेशान थे, डोली की अनुपस्थिति में बग्गा साहब ने मेहतर से काम करवा डाला, डोली पिल्लों को खोजती भिरी, मेहतर से कार्य समझकर डोली रो रो कर बेहाल हो गई, इस प्रकार घटना खड़ी है, इस प्रकार क्रमबद्ध करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अच्छा अगला प्रश्न देखें, डोली पिल्लों को खोजती भिरी, आखिर मेहतर से उसे मालूम हो गया कि वे गर्म पानी में डुबोकर मार डाले गए हैं। इस प्रसंग पर डोली और आया बिंदी के बीच का वार्तालाप तैयार करें। यहां तो वार्तालाप तैयार करने के लिए है,
अपने विविध प्रसंग में अनेक वार्तालाप तैयार किए हैं। यहाँ डोली और आया बिंदी के बीच का वार्तालाप है। वार्तालाप तैयार करते वक्त ध्यान देने की एक बात है, प्रसंग को ठीक प्रकार समझना, प्रसंग समझकर वार्तालाप तैयार करना। यहाँ तो प्रसंग डोली और आया के बीच का है, तो कुतिया के पिल्लों के संबंध में है। पिल्लों को खोजती ही बिरी, स्कूल जाते वक्त वहां पिल्ले थे, स्कूल से लौट आते वक्त पिल्ले गायब, पिल्लों के देख नहीं सकते, इस पर डोली परेशान थी। इस विषय पर डोली आया से प्रश्न करती है। ये तो प्रसंग, प्रसंग समझकर लिखना है, ये तो प्रसंग को ध्यान में रखना, ये तो प्रसंग, इसके आधार पर वार्तालाप तैयार करना है। प्रसंग समझकर वार्तालाप लिखना है, और वार्तालाप की एक शैली होती है, तो वार्तालाप की शैली में लिखना है, तो संक्षिप्त होना चाहिए, पूरे वाक्य में लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, क्यों, कैसे हुआ, इस प्रकार का प्रश्न पूछकर एक पूरे वाक्य का परिचय दे सकते हैं। तो पूर्ण रूप से वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, संक्षिप्त रूप में लिख सके, वार्तालाप की शैली में लिखें और प्रसंग समझकर लिखें, घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखें, क्रमानुसार घटनाओं को लिखें। इस प्रकार हमें वार्तालाप तैयार कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा वार्तालाप है, डोली और आया बिंदी के बीच का है, तो प्रसंग समझकर पाठ के अनुसार हम अच्छी तरह लिख सकते हैं। हमारे आत्मिक का बच्चा नामक पाठ भी यहाँ खत्म होता है, तो पाठ का प्रसंग आप समझ लिया है आपने, तो इस तैयारी में तैयारी ध्यान से देखकर इस प्रश्नों का परिचय लेकर परीक्षा लिखने के लिए तैयार करें, इसे आप लाभ उठाए। अच्छा, धन्यवाद।